किल्ला तो यह है कि कांग्रेस के मायने आला कमान के वे को मुख्यमंत्री काम कर, और राजस्थान में आला कमान है डॉक्टर रघु शर्मा। राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान है रघु शर्मा। 33 सेकंड के इस वीडियो में ये शब्द हैं राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के। ये वीडियो है सोमवार को हुई कांग्रेस कमेटी की बैठक का। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए थे। बोर्ड अध्यक्ष, निगम अध्यक्ष और तमाम लोगों के बीच में बैठे हुए डॉक्टर रघु शर्मा को देखकर खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस का कोई आला कमान है तो वो डॉक्टर रघु शर्मा है। इसके बाद वहां पर रघु शर्मा के नारे लगने लगे। एक बार फिर देख लीजिए ये पूरा वीडियो। किल्ला तो यह है कि कांग्रेस के मायने आला कमान के वे को मुख्यमंत्री काम कर, और राजस्थान में आला कमान है डॉक्टर रघु शर्मा। इस वीडियो के वायरल होते ही राजस्थान में आने वाले दिनों में संगठन के अंदर कोई बड़े बदलाव होने की चर्चा होने लगी है। दरअसल इसकी आंच 2018 में उस वक्त उठी थी जब सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में कहा था कि केकड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के अजमेर से सांसद रघु शर्मा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वह राजस्थान में कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। और ऐसा भी होता है कि चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनता है। डॉक्टर रघु शर्मा अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तब स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था। 2019 में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच उस वक्त अदावत देखने को मिली थी जब कोटा के एक अस्पताल में बच्ची की मौत का मामला सामने आया था। तब सचिन पायलट के उठाए गए सवालों पर रघु शर्मा ने कहा था कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय तो उन्हीं के पास है। 2020 में बगावत के चलते सचिन पायलट को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा था, और वहीं रघु शर्मा ने गुजरात चुनाव में प्रभारी बनाए जाने पर मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। गुजरात चुनाव में मिली करारी हार के बाद उन्होंने प्रभारी पद से भी इस्तीफा दे दिया था। रघु शर्मा केकड़ी से कांग्रेस के विधायक हैं। अभी रघु शर्मा ने केकड़ी को जिला बनाने की मुहिम छेड़ दी है। हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए सीएम गहलोत को खत भी लिखा था। साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में गहलोत सरकार उनकी मांगे मानते हुए उन्हें कोई बड़ा पद दे सकती है।